नेपाल सीरीज के 8वें एपिसोड पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आपने 7वां एपिसोड अगर देखा हो तो जानकारी होगी कि मैं चंद्रगिरी केबल कार पर आया हूँ। अब मिलना है शिवजी से, भालेश्वर रूप में पूजे जाने वाले मंदिर के दर्शन करना है। लोग व्यस्त है फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। यह केबल कार स्टेशन है, अलग अलग दुकानें हैं काफ़ी सारी, सब सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ समझ में आ रहा? यही हिमालय है, ये मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने यहाँ आपका बोर्ड देखा। देख लीजिए आप भी। अभी थोड़ा सा कोहरा है तो कुछ खास उतना अच्छा कैमरा में आ रहा नहीं होगा, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक अंदर से जो है ना हिमालय देखा अपने आँखों से। ऐसे हिमालय जाने का सोचा हूँ मैं बहुत पहले से। ठीक है, अब पैदल चलना है आगे ऊपर की ओर। और यहाँ अलग और एक जो है आपका, यहाँ देखिए अन्नपूर्णा हिमालय रेंज लिखा हुआ, एक मानसालू हिमालय रेंज लिखा हुआ है। विदेशी पर्यटक नेपाल में बहुत आते हैं और आप अगर बात करना चाहें उनसे कर सकते हैं, वे अच्छे से बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, भालेश्वर महादेव ऊपर में है। और यहाँ जो गाड़ी उड़ी भी चल रही है ना, बताता हूँ इसके बारे में भी, ये सवाल मेरे मन में भी थे। फिलहाल ये जो गौरीशंकर रेंज देख रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या? ये देखिए पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आपको नज़र आएगा गौरीशंकर हिमालय और माउंट एवरेस्ट जो सागरमाथा है। तो अभी तो यहाँ ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा, और नीचे वाला से थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा था, यहाँ तो एकदम नज़र ही नहीं आ रहा। यही आपका गौरीशंकर है और ये जो आपका है माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट। एक शानदार से हिल स्टेशन का मज़ा लेते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ यहाँ होती है, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, जिसमें से देखिए जो आपका जिप लाइन लिखा हुआ है। कितना पैसा लेता है? कहीं भी अगर जाता हूँ तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जैसे कोई भी जगह पे जाता हूँ घूमने के लिए, वो आसपास हो या कहीं दूर हो या कहीं, मुझे जानने की उत्सुकता होती है उस जगह के बारे में। जहाँ कोई लोग मिल रहे लोकल्स या जो भी है, तो वहाँ के उनसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ। ATM है, ATM के सामने आपका प्रसादी उरसादी लेने का जगह है, फिर जूता वाला स्टैंड है। अरे देख रहे, यहाँ का प्रवेश द्वार है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। मंदिर का अस्तित्व इतिहास में 1000 साल से ज़्यादा है, 1000 साल पुराना मंदिर है। और जो है आपका यहाँ के जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, वे चंद्रगिरी के नरेश उस समय के आपका 1750 के आसपास के, तो उन्होंने चंद्रगिरी को एक अपना किला टाइप का किया हुआ था। तो चंद्रगिरी का जो भी आप जो भी उसका विकास का है, उनके नाम पर, मतलब पृथ्वी नारायण शाह के नाम पर यहाँ स्टेचू भी बना हुआ है। यहाँ पार्क आप जब आके देखेंगे तो चंद्रगिरी जो है ये आपका 2551 मीटर ऊँचा है, 8369 फीट समुद्र तल से। तो मंदिर है फिलहाल, इसका जो वास्तुकार है बोले तो डिज़ाइनर या शिल्पकार शंकरनाथ रिमल के मैंने दिशा निर्देश से ही, गाइडलाइन से ही मंदिर का निर्माण डिज़ाइन विज़ाइन हुआ था। और पहुंचने का रास्ता है केबल कार, आप केबल कार छोड़ के दूसरा कोई रास्ता है नहीं। हाँ, ट्रैकिंग करके आ सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। और जो यहाँ का त्यौहार है शिव जी का, जो भी जैसा बड़ा त्यौहार इंडिया में हम लोग के होता है, श्रावण का महीना का सोमवार या शिवरात्रि या संक्रांति, तो इस समय में आपका यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। नंदी जी सामने खड़े हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, शिव मंदिर में होता है। और यहाँ का जो है इतिहास आपको अगर पढ़ना है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। और ये मंदिर का जो है आपका चित्र है, त्रिशूल देख सकते हैं, त्रिशूल जो है वो गड़ा हुआ है। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, आप अगर कभी आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठंड काफ़ी लगती है क्योंकि ये 2551 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, तो मुझे भी ठंड काफ़ी यहाँ लग रही थी। मैंने मंदिर की परिक्रमा कर ली थी, आसपास के क्षेत्रों में और भी पीतल के बने हुए जो मूर्तियाँ हैं जैसे गणेश जी के हैं, वो सब भी काफ़ी अच्छे हैं। पर्यटक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद बारी थी आगे जो जगह सब है वहाँ घूमने। वेजिटेरियन काउंटर भी है, नॉन वेज काउंटर भी है, और भी खाने पीने के अलग अलग जगह हैं। जिनको यहाँ खाना वाना खाना है या दिन भर स्पेंड करना है तो आपको भूख तो लगेगी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यू पॉइंट में चढ़ने के लिए टिकट लगता है, मैं फ़िलहाल उधर ही जा रहा हूँ, पर मैंने चढ़ा नहीं, मैं सीधा नीचे गया आपका दूसरा पार्क और घूमने के लिए। कुछ टिकट्स का प्राइस था शायद 100 रुपया, मैं भूल गया हूँ। इसी को बोला जाता है जिप लाइन। और ये मज़ा लेते हुए देख रहे हैं बच्चे लोग, देखिए पार्क में मस्ती कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अब थोड़ा इतिहास की बात करें, अगर ये जो मंदिर है ये समर्पित है शिव जी को, इतना तो आपको मालूम चल रहा है। आपका जो है 51 शक्तिपीठ है, ये सब आप जानते हैं। जैसा हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोग मानते हैं 51 शक्तिपीठ जो भागवत पुराण के अनुसार है। तो ब्रह्मांड पुराण में 64 का जिक्र है, 108 का जिक्र है ब्रह्म पुराण में।
तो ऐसे अलग अलग पुराण में आधार अलग अलग हैं। ख्याति जो प्राप्त है, ख्याति बोले तो जो माना जाता है, वो 51 शक्तिपीठ को ही खास रूप से माना जाता है। जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था कि घोड़ा खरीदूंगा, खैर वो बात अलग थी, तब समझ नहीं थी चीज़ों की। पर हाँ, घुड़सवारी जो है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। आप अगर कभी किए हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या रेट है घोड़ा गाड़ी का? 21%। अगर 108 वाले ब्रह्मपुराण के आधार पर बात करें तो इसको आप एक शक्तिपीठ मान सकते हैं, जहाँ सती जी का जो है उनका भाला गिरा था, भाला बोले तो माथा, तो उस आधार पर भी यह मंदिर काफ़ी शक्तिशाली है। यहाँ आकर कहा जाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीप लाइन जो है अगर आप करना चाहेंगे तो देखिए ऐसे होता है, वहाँ पे आपका वहाँ सेट कर दिया जाता है बढ़िया से, प्रोटेक्शन दे के, हेलमेट वेलमेट पहना के। अब उसको धीरे से देखिए ढकेल दिया जाएगा, फिर वो अपना जो है डेस्टिनेशन उसका है कुछ दूर में, लगभग 50-60 मीटर होगा। शक्तिपीठ या इसके इतिहास के अगर बारे में जानना है तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम कर लीजिएगा, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। मैं आपका उस जो भी आपका मन में त्रुटि है या जो भी जानकारी चाहिए मैं दे दूंगा। चंद्रगिरी का बात करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इस विषय में हम लोग बात करने लगे तो। यही आपका व्यू पॉइंट है जो आप देख रहे हैं ना, होटल टाइप का जो ऊपर में है, वहाँ चढ़कर आप काफ़ी मस्त से नज़ारा ले सकते हैं हिमालय का, वहाँ से दिखेगा। तो मैं चढ़ा नहीं, मैं दोबारा आऊँगा तो तब चढ़ूँगा। चंद्रगिरी का रिसोर्ट है ये, आप इधर से नहीं दूसरे साइड से जा सकते हैं। और थोड़ा सा चंद्रगिरी का मैप देख लीजिए पॉज करके, यहाँ हर एक लोकेशन आपका लोकेटेड है इस मैप पर कि कौन सा जगह पर क्या क्या है। चंद्रगिरी का पहाड़ी जो इस तरह का है, ये हिमालय है मेरे भाई, और एक वक्त आएगा जब वहाँ भी चलेंगे और वहाँ का नज़ारा आपसे ही मुझे लग रहा है कि वाह क्या होगा। बस ऐसे ही कुछ देर अपनी बड़ी सी आंखों से हिमालय को ताड़कर मैं अब नीचे जा रहा हूँ। मैं निशब्द हूँ, शब्दहीन बोले तो स्पीचलेस इन सब नज़ारों को देखकर, क्योंकि एक अंदर से जो अनुभूति हो रही थी ना काफ़ी काफ़ी मज़ेदार। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, फिर नया कुछ प्लान करते हैं। घूमने का तो घूम लिए, 1300 रुपया खर्चा हुआ मेरा केबल कार के लिए, तो पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा मुझे, तो चलते हैं। महादेव के दर्शन हो गया। ये जो पहाड़ी के ऊपर गाड़ियाँ देख रहे हैं ये पहले ही आ चुकी थी जब ये रिसोर्ट या यहाँ का जो एरिया बना था इस साइड से, वो थानकोट साइड से नहीं दूसरे साइड से, मेंटेनेंस के लिए यहाँ भेन आती है इसके नीचे तक। मेरे को आइडिया नहीं था तो मैं पैसा चेंज करने बीरगंज में भूल गया, फिर यहाँ मेरे को एक जन हेल्प चंद्रागिरी में भेंट हुआ सुशांत श्रेष्ठ से, और भाई इंडिया गए हुए हैं, थोड़ा बताइए इंडिया वाला राइड के बारे में। इंडिया वाला मैं कॉलेज के टूर से गया था, मुंबई दिल्ली और गोवा, बहुत मज़ा आया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं फिर जाना चाहूँगा एक दिन। कुछ देर सुशांत भाई से बात करने के बाद चंद्रागिरी से जो भी कन्फ्यूज़न था मेरे मन में इस पहाड़ी को लेकर, कुछ पूछा उनसे, जो सके वो मुझे बताए, मैं अब रिटर्न जाने की तैयारी में हूँ। और हाँ, नेपाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा, लोग काफ़ी अच्छे हैं, सब मर्जी है भगवान की। अब तक मुझे अच्छे लोगों से ही उन्होंने मिलवाया इस सफ़र पर। और ऐसे ही देखिए आप कैसे बैठा जाता है इस केबल कार पर। काफ़ी सारे विदेशी लोग जो हैं वे नेपाल ट्रेकिंग के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए मैं अब नीचे जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मेरा ये आज का अनुभव, इच्छा थी सब महादेव की। क्या नाम हुआ? प्रवेश। भैया आपका नाम? क्या आप लोग का नहीं खींचेगा? यात्री नेपाल। आपका यूट्यूब है क्या? यूट्यूब नहीं, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम है। फेसबुक इंस्टाग्राम, ओके। केबल कार के लिए यहाँ दो स्टेशन, ये बॉटम वाला है जहाँ भी उतरा हूँ, टॉप वाला था जहाँ गए थे, और 10 मिनट का समय लगता है आपको जाने आने में। यादों को संभाल के रखने के लिए आप सेल्फी भी खींच सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ देख सकते हैं गुलचक्कर टाइप का है, काफ़ी सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पर। काफ़ी भीड़ हो गया अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सुबह तो भीड़ थोड़ा कम था, मैं जल्दी आ गया क्योंकि 12 बज रहा है अभी, जाते जाते 1-1.5 बज जाएगा, शाम का कोई प्लान करते हैं। काफ़ी सारे टैक्सी है, ऊपर में तो स्टैंड है, तो रोड देख रहे हैं आप फिलहाल, इसी से आप अंदाजा लगा सकते चंद्रागिरी में कितना भीड़ है। मालूम होएगा सबको कि भूकंप आती है नेपाल पर काफ़ी ज़्यादा, तो घर भी इसी तरह से आपका पूरा प्रोटेक्टिव माने अच्छे से बनाए जाते हैं। देख सकते हैं नीचे जो है ना आपका एक तल्ला, तो लगता है नीचे से इसको ढंसा के
मिट्टी उट्टी डाल के चल रहे हैं। और यहाँ रड जो है काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, हम लोग यहाँ झारखंड में रड दिया जाता है पर इतना नहीं। बस खाली खाली था, जो भी हो कालंकी में पहुँच जाने वाला हूँ कुछ देर में। संतरा, केले, एप्पल, अंगूर जो भी हैं आप मान के चलिए, अंदाज़ा लगा के चलिए, इंडिया में जो है उससे 10 रुपया किलो में ऊपर नीचे हो सकती है। लगभग इंडिया का रेट यहाँ मेंटेन है। और फिलहाल थोड़ा देर पैदल चलने के बाद रास्तों का मज़ा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ता को यहाँ बाटो बोलते हैं, बाटो। काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना है। यहीं पर आपका SBI है नेपाल का, तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को यहाँ सब बंद रहता है, जो भी सरकारी काम बंद रहता है वो सैटरडे को रहता है। शनिवार को यहाँ नेशनल हॉलीडे है, यह मुझे मालूम नहीं था। नेपाली 8,000 रुपया फिर से मैंने जुगाड़ कर लिया था इन पक्षियों से मिलने से पहले। क्या नाम तेरा? कल रात को एक अंकल जी मिले थे जिनका यहाँ दुकान था, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को भेज देना इंडिया, मैं तुम्हें दे दूंगा। और मुझे आज शाम को पोखरा चलना था। मैं फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ टिकट कटाने के लिए आया हुआ था। काठमांडू से पोखरा के लिए नाइट बस चलती है जो आपको सुबह सुबह पोखरा 5 बजे पहुँचाएगी। तो कालंकी से भी आपको टिकट मिल जाएगी, हर जगह से आपको पोखरा के लिए बस नाइट बस मिल जाएगी। 850 नेपाली का लगभग टिकट का प्राइस है। अब शाम का वक्त था, मैं कुछ देर ठाकुर भाई का वहाँ गया, फिर घूमने के लिए निकला पैदल पैदल, क्योंकि आप सबको मालूम होगा मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ दो भाई मिले हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? साइकिल इनका बढ़िया चलता है और ये लोग भी बढ़िया हैं। फिलहाल ये काम करते हैं चूना पुट्टी का, ये कबाड़ी कर रहे। देखिए काफी सामने से एरोप्लेन गुजर रहा है दोस्तों, देखिए। तो जल्द मिलता है अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए धन्यवाद।